नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित। आप लोगों के यही कई लोगों के सवाल भी आए हुए हैं कि कानपुर जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद वो इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में भी कुछ शब्द बताइए, बोलिए क्या सही हुआ है या गलत हुआ है। तो देखिए, आपके हिसाब से जो भी हो, आप जो भी सोचते हो, लेकिन मैं यहाँ चार पांच उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। 26/11/2002 में, यानी कि 26/11 का आपने देखा है कि मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और इसमें एक अजमल कसाब पकड़ा गया था। उसका बाकायदा ट्रायल चला, न्यायालय में केस चलता रहा, उसके बाद फांसी हुई। फिर आपने देखा है इंदिरा गांधी, सतवंत सिंह, इंदिरा गांधी की जिसने हत्या की थी उसके मामले में देखिए केस चला बाकायदा। फिर मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का केस चला, उसके बाद उसे फांसी हुई। नाथुराम गोडसे, महात्मा गांधी, आपके जानते हैं ना आप लोग महात्मा गांधी जी को, तो 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गोली मारकर, किसने? नाथुराम गोडसे ने। तो उसका भी न्यायपालिका यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका में केस चला, उसके बाद सुप्रीम, हाई कोर्ट, उसके बाद आपने देखा है कि उसे भी फांसी हुई। तो एक बात यही बोलूंगा कि आप सोचिए कि आप पुलिस इनकाउंटर कर दे तो एक राज बना रह जाता है। अब इसके पीछे कौन थे, एक बात साफ समझ लीजिए आप लोग कि अपने आप तो नहीं उठ सकता है। आप समझिए कि अगर आप पर एक केस हो जाता है तो आपकी पूरी उम्र बीत जाती है केस लड़ते लड़ते। कई लोग ऐसे भी अभी केस में झूठा भी केस लग जाता है तो इतनी उम्र मतलब सजा में काट देते हैं जितनी उनके रियलिटी में सजा ना हो। तो समझ रहे हैं आप लोग, इसमें आप दरोगा या फिर आप सोचें कि वहां के थाने की वजह से ही ये विकास दुबे जो अपराधी है ये उठ गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना बड़े लोगों के हाथ के कोई नहीं उठ सकता है। विकास दुबे के साथ हमदर्दी देश में विदेश में किसी की नहीं होगी कि गलत हुआ है उसके साथ, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहने का मतलब है, अगर ऐसा है तो हमें अजमल कसाब को उसी दिन गोली मार देनी चाहिए थी, इंदिरा गांधी के हत्यारे को उसी दिन गोली मार देनी चाहिए थी, नाथुराम गोडसे के हत्यारे को उसी दिन गोली मार देनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। समझ रहे हैं, पुलिस ही फैसला कर दिए देती है तो उसे ही रहने दीजिए। और उसे छोड़िए, आपके जो संसद में विधायक बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं, उनमें से 60% तो दागी हैं, जिनके पास केस है, मर्डर के केस हैं, बलात्कार के केस हैं, तो उन्हें भी गोली मार देना चाहिए। तो एक हमारे सबकी, देखिए सबका एक काम है, उस काम के भीतर रहना चाहिए। न्यायपालिका का काम था आप वो गिरफ्तार हुआ था या उसने आत्मसमर्पण किया था, जो भी किया हो आपको एक प्रक्रिया चलनी चाहिए थी, उसके बाद नाम खुलने चाहिए थे कि कौन किसका किसने इसे भगाया। आप सोचिए, 4 दिन वो फरार रहता है, इंदौर सॉरी MP उज्जैन पहुंच जाता है यूपी से, कानपुर से कैसे पहुंचता है ये सभी, और चारों तरफ से घेराबंदी डली हुई थी। तो एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, मेरा इतना ही सजेशन है, बाकी आप भी जानते हैं। और ये मैं ही नहीं बोला हूं, आपने देखा है कि अस्थाना आपके IPS रहे हैं उनने भी बोला है, उसके बाद आपने कई वकील जज सभी बोल रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश तक कई बोल रहे हैं पूर्व। तो एक पूरी प्रक्रिया चलनी चाहिए होती, उसके तहत देखना चाहिए था। और आपको लगता है कि अगर इनकाउंटर से खात्मा अपराधियों का हो चुका है, तो इससे पहले आपने सुना होगा एक मिश्रा नाम का कोई शख्स था, गैंगस्टर बहुत बड़ा यूपी में, तो उसने वहां के मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली थी 6 करोड़ में, और सुपारी देने वाले मुख्यमंत्री के कोई मंत्री ही थे, पता है आपको। उसमें भी उस टाइम भी उसे इनकाउंटर में मारा गया, तो कहा कि लोगों ने कि अब सफाया हो जाएगा, अब लोग डरेंगे। तो समझिए कि आज ये विकास दुबे मर चुका है, नेताओं के लिए दूसरा विकास दुबे पैदा हो गया होगा। आप मूवी देखते हैं, वो मूवी मुझे लगता है हकीकत मूवी है कि एक अपराधी मर जाता है तो बोल देते हैं अरे दूसरा इसकी जगह बैठ जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और हमारे समाज बहुत भोला है। आप देखिए, हैदराबाद का वो कांड हुआ, उसके बाद 4 वो अपराधी थे उन्हें गोली मार दी, अच्छा हुआ, जनता खुश हुई। उसके बाद तमिलनाडु में आपने देखा है कि बाप बेटे की मौत किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, निर्दोष माँ बाप बाप बेटे को,
उसके बाद दोनों को मार दिया जाता है। तो मतलब वहां जनता में रोष था पुलिस के प्रति, पर अभी कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और खुश हो रहे हैं। देखिए, फांसी होनी चाहिए थी उसे, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया मालूम तो चल जाना चाहिए था कि कौन इसके पीछे लगे हुए। विकास तो मर चुका है, लेकिन इसमें कौन अब दूसरा विकास पैदा हो जाएगा नेताओं के लिए? तो इससे बात करेंगे कभी आज ही कल में। हम एक आर्टिकल भी देखेंगे कि अपराधी का राजनीति का अपराधीकरण, यानी कि राजनीति में कितने अपराधी फंसे पड़े हुए हैं, कितने लोग एमएलए हैं मर्डर करके। एक ईमानदार, आपको लगता है कि इस टाइम ईमानदार कोई विधायक बन सकता है? कभी नहीं, मुझे नहीं लगता है। जब तक दो चार मर्डर ना हो, तब तक मर्डर केस ना हो, तब तक वो मतलब आप समझ रहे हैं, नेता ही नहीं बन सकता है। तो आपको खुद सोचना है कि या तो आप सोचिए कि न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए अगर आपको पुलिस पर भरोसा है इतना और पुलिस अच्छा कर रही है तो, या फिर आपको उस टाइम गांधी जी की मौत हुई, इंदिरा गांधी की मौत हुई, उसके बाद 2002 में आपका जो आतंकी हमला हुआ, ये सब गलत था फिर तो, यही सोचिए। चलिए, अपना अपना दिमाग लगाते रहिएगा, लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस या पीसीएस, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो आप एक बैलेंस बनाकर ही बोलिए। अगर आपने, मैं इतना कह सकता हूं कि आपने अगर बोल दिया कि सही हुआ था ये विकास इनकाउंटर बारे में, अगर पूछ लिया यूपीपीसीएस में, पूछ सकता है, समझ रहे हैं? तो आपको वहां बैलेंस बनाकर लिखना है कि एक न्याय प्रक्रिया चलनी चाहिए थी, उसके तहत उसे दोषी बांधकर उसके तहत उसे मतलब जो भी सजा होती, फांसी होती, दे देनी चाहिए थी, समझ रहे हैं? और ये पूरी कहानी जिस तरह से गढ़ी गई है, सबको, सब लोग परिचित हैं कि किस तरह से कहानी गढ़ी गई है। खैर छोड़िए, जो भी अपना चलने दीजिए। हाल के समय बढ़ते अपराध और उन अपराधों के निस्तारण में प्रयुक्त प्रक्रिया ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह आरोपित किए हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली से तात्पर्य उन एजेंसियों से है जो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपराधिक शक्तियों पर कठोर कार्रवाई करती है। आपराधिक न्याय प्रणाली अनिवार्य रूप से सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली इन अपराधों को रोकने के लिए अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने का कार्य करती है। यह भी समाज सामाजिक नियंत्रण के अन्य रूपों को बनाए रखता है, जैसे परिवार, स्कूल, चर्च, परंतु ये नैतिक दुर्व्यवहार से निदान हेतु सक्षम बनाते हैं। केवल आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध को नियंत्रित करने और अपराधियों को दंडित करने की शक्ति है। अब बात करते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य क्या है। समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंडित करना, भविष्य में अपराधी को अपराध करने से रोकें। आपराधिक न्याय प्रणाली के घटक और उनके प्रमुख मुद्दे क्या रहे? पुलिस व्यवस्था। पुलिस आपराधिक न्याय व्यवस्था की एक अग्रिम बनती है, जिससे न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस व्यवस्था में समस्याओं की अगर बात करें हम लोग, तो भारत सरकार राष्ट्रीय पुलिस आयोग की आधुनिक समय की मांग को दरकिनार कर रही है तथा औपनिवेशिक कानून में कोई भी बदलाव करने को तैयार नहीं है। पुलिस की जवाबदेही इस तथ्य से सर्वाधिक प्रभावित होती है कि पुलिस कई एजेंसियों तथा अधिक अधिदेशों से नियंत्रित होती है और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के भी शिकार होते हैं। इसके साथ साथ नैतिकता की कमी और कम वेतन जैसी समस्याएं पुलिस में भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के स्तंभ को कमजोर करती हैं। इसमें आपने देखा होगा कि अभी आपकी सरकार है तो आप किसी पर इस तरह से पुलिस केस करवाएंगे, पुलिस का फायदा आप लेंगे, जब उसकी सामने वाली की सरकार आती है तो वो भी इस तरह की फायदा उठाने लगता है। और इसमें आपने देखा है कि जब से आजाद हुआ तभी से पुलिस सुधार में बात की जा रही है, कई समितियां बन चुकी हैं आपकी इस पर कि पुलिस सुधार होना चाहिए पुलिस व्यवस्था में, लेकिन खैर छोड़िए, कुछ होता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? फिर आपकी ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका ने कानून की भूमिका के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अदालत का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानवाधिकारों की रक्षा करना और पीड़ित को राहत देना है। भारत में आपराधिक न्यायपालिका प्रणाली व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक ध्यान देती है और अदालत को पीड़ित के साथ साथ गवाह पर भी ध्यान देना चाहिए। न्यायाधीश को संवेदनशील होना चाहिए, न्यायाधीशों की जरूरत है
कि वे न्याय के प्रशासनिक में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। कई न्यायाधीश हैं जो खुद को आपराधिक न्याय की प्रगति से अयोग्य घोषित करते हैं, क्योंकि वे पुराने न्याय रवैये पर चल रहे हैं और साथ ही कानून के सख्त व्याख्या के अनुसार न्याय में विश्वास करते हैं। आपराधिक न्यायपालिका सुधार गंभीर चिंताओं का विषय है, जिसके लिए न्यायाधीशों की सक्रियता के प्रभावी परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ न्याय में देरी कहीं ना कहीं न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। लोग व्यवस्था के इतने इतर न्याय पाने के प्यास में कानून व्यवस्था हेतु खतरा बन जाते हैं। यहाँ आपको एक दो उदाहरण बताता हूं। समझिए कि न्यायपालिका में इतनी मतलब इतना समय लगता है कि एक व्यक्ति को सजा होती है, उसका केस आते आते जब उसकी केस की निपटारा होता है तब तक 20 साल गुजर चुके होते हैं। लास्ट में उस व्यक्ति से बोल दिया जाता है कि तुम बरी हो, निर्दोष मुक्त हो, तुमने कोई गलती नहीं की। आप सोचिए कि 20 साल उसने भुगतने के बाद उसे पता चले कि उसने कोई गलत काम नहीं किया था, तो उस आदमी पर क्या बीती होगी? उसकी तो जिंदगी एक तरह से खत्म ही हो चुकी होगी। एक महिला की सुनिए कि उसका रेप होता है और जब उसके केस का निपटारा होता है तब तक उसे मरे 10 साल हो जाते हैं। ये हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो न्यायपालिका में भी सुधार की बात चलती आ रही है, लेकिन आप समझिए कि अगर हमारे देश में इतनी अच्छाई होती, क्योंकि आप समझते हैं कि न्याय कौन सुधार करेगा? संसद। संसद में कौन बैठे हुए हैं? संसद में वो लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहेंगे कभी कि कुछ ऐसे नियम बने जो अपराधी हैं उन पर मतलब इस तरह से शिकंजा कसा जा सके, कि आप समझ रहे हैं कि वो अपराधी बनने की चाहत ना रखें और भी अपराधी। तो आप ही समझिए कि जो कानून बनाते हैं वही मतलब उन्हीं वो अपने लिए कानून कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अपराधी तो वही है ना, तो अपने लिए सजा थोड़ी कोई मुकद्दर कर सकता है। तो इसलिए सुधार की बात नहीं की जाती है। इसीलिए पुलिस में भी देखते हैं आप लोग, इसमें भी सुधार की बात नहीं की जाती, लागू ही नहीं होता है। कारागार का वास्तविक उद्देश्य सुधार गृह होना चाहिए, किंतु उपनिवेशिक विचारधारा से ओतप्रोत कारागार में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय कार्य उन्हें और बड़ा अपराधी बनाते हैं। इसके साथ जेल में क्षमता से अधिक कैदी, भोजन इत्यादि जैसी समस्याएं कारागार सुधार की ओर ध्यान ले जाती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को व्यवस्थित करने हेतु इस स्तंभ को सुधारने आवश्यक है। समझ में आए? फरे कैदियों के साथ साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार, पुलिस व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्हें अपने पद नामों के साथ स्पष्ट पहचान नाम टैग के साथ रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना चाहिए। गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि किसी को उसकी गिरफ्तारी से अवगत कराया है। गिरफ्तारी के समय उसकी गिरफ्तारी और प्रमुख और मामूली चोटों की भी जांच की जानी चाहिए। निर्देश द्वारा नियुक्त अनुमोदन मोदित डॉक्टरों के पैनल पर एक डॉक्टर द्वारा हिरासत निदेशक में उसके निरोध में के दौरान हर 48 घंटे में एक प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा गिरफ्तारी का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना चाहिए। गिरफ्तार को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति होनी चाहिए। हालांकि पूछताछ के दौरान नहीं मली मत समती, इसका उद्देश्य था क्या था? आपराधिक कानून के मूलभूत सिद्धांतों की जांच करने का कार्य, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल किया जा सके। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, भारतीय आचार अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860 की समीक्षा थी। सरकार को मलिमत कमेटी की आवश्यक अनुशंसाओं को मान्यता देनी चाहिए। बहरहाल इस समय सरकार इस पर विचार करेगी। एक आप समझ सकते हैं कि 1872 और 1860 एक कब के कानून है? अंग्रेजों के समय। वही बात चली आ रही है कि जो हमारे बाप दादा परदादा करते थे, मतलब जो बैलगाड़ी से चलते थे, आप भी उसी बैलगाड़ी से चलने लगे। मतलब समय बदल चुका है, उस समय जरूरत कुछ और थी। उस समय अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों के हिसाब से कानून बनाए गए थे, लेकिन अब इसमें बदलाव होना चाहिए। आप सोचिए कि वही हम लोग पुराने जमाने के कानून दादा आज हम जमाने के कानूनों को प्रयोग में ला रहे हैं अभी। मतलब इनमें भी संशोधन होकर नए तरीके से
बननी चाहिए थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए हुए थे, वो शोषण के लिए बनाए हुए थे उन्होंने। लेकिन अब हम भारत में लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो उस हिसाब से कानून बनने चाहिए थे। निष्कर्षता क्या कह सकते हैं आप लोग? यदि न्याय का शासन अच्छा परिणाम देना चाहता है और यह अदालतों का कर्तव्य है कि बड़ी बड़ी मुस्तैदी से काम करें, निर्दोष व्यक्ति को तुरंत रिहा करना चाहिए और दोषी व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और एक बात हम लोग हमेशा याद रखिए कि आपके कानून में कहा गया है कई जगह कि 100 मुजरिम छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। समझ रहे? दोषी तो दोबारा पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसे सजा हो जाएगी, लेकिन जो निर्दोष एक बार मुहलत लेगा सजा, उसके बाद उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। मामलों में देरी की समस्या भारत में नई नहीं है, क्योंकि यह लंबे समय से अस्तित्व में है। एक तरफ न्यायिक व्यवस्था तनाव में है और दूसरे हिस्से में से इसने लोगों का विश्वास हिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पीड ट्रायल आपराधिक न्याय का सार है और खुद ट्रायल में देरी से न्याय में इनकार का गठन है। अनुच्छेद 21 के त्वरित न्याय की भी व्याख्या करता है। भारतीय संविधान न्यायिक प्रणाली पर ड्यूटी लगाता है, तो न्याय में से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है। भारत की अदालतों में मामलों के निर्णय के लिए अलग अलग स्तर पर, लेकिन कई मामले लंबित हैं। लंबित मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को न्याय दिलाने के आश्वासन के साथ लाखों लोगों के अधिकारों की तलवार, तहरीर और ढाल की उम्मीद है। अतः इस व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये हाल था आपका आपराधिक प्रवृत्ति का, ठीक है।